यो बोनजोर गाइस, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप अपने फ्रेंड की रैंकिंग को आसानी से कैसे गिरा सकते हैं। सो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, आप इसको अप्लाई करके अपने फ्रेंड की रैंकिंग को आसानी से गिरा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अपने फ्रेंड की रैंकिंग को गिराने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है मास रिपोर्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मास रिपोर्ट भेजने के लिए आपके पास खूब सारी आईडीज होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही आईडी से उसकी आईडी पर खूब सारी बार रिपोर्ट भेजनी है। जैसे कि अगर आप उसके साथ एक मैच खेलते हैं तो आप उस मैच के अंदर 3 बार रिपोर्ट भेज दीजिए। अब भेजने के बाद आपको करना क्या है, अगला मैच उसी के साथ खेलना है और उसी मैच में अगले मैच में उसको फिर से रिपोर्ट भेजनी है। सो गाइस, अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी आईडी 3 दिनों में बैन हो जाएगी। सो गाइस, मैं बता दूं कि वो जो आईडी बैन होगी वो केवल 2 दिनों के लिए होगी, ना कि 10 ईयर्स के लिए। सो गाइस, वो 2 दिनों के बाद जब अनबैन होगी तब बूम गाइस, वो जो आईडी होगी जिस टायर पे भी होगी, मतलब कि अगर वो एस पे भी होगी तो सीधे ब्रॉन्ज 5 या 4 में से स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, ऐसे करके आप अपने फ्रेंड की रैंकिंग को आसानी से गिरा सकते हैं, लेकिन आपको करना यही होगा कि आप उसके ऊपर मास रिपोर्ट भेजिए। जितने मैच खेलते हैं उसके हिसाब से आप उसके ऊपर रिपोर्ट भेजिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।